morning, kids. Hi, sir. How are you? I am fine, thank you. आज देखो आज हमारा क्लास टेस्ट है. Yes, sir. Okay? देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहला वाला, ये इसको आपको ये मानना है कि ये एक नोट है. ये कितने रुपए का नोट है? और उसके आगे एक सिक्का है, वो कितने का है? दो. तो दोनों मिला के कितने हो गए? बारह. ठीक है, ये किया आपने एग्जाम में. आप देखो ये कितने हो गए दोनों मिला के? बीस. और ये सब मिला के छब्बीस. कितना? छब्बीस. कनक एक पुस्तक खरीद रही है, पुस्तक की कीमत कितनी है? 55 रुपए है. तो बताइए कनक को कितने 10 रुपए के नोट व कितने एक एक रुपए के सिक्के चाहिए? 10 रुपए के कितने नोट चाहिए? 5 और सिक्के भी 5. सिक्के भी 5. अब देखो इसको आपको लिखना है, कितना है ये? 400. और इंग्लिश में लिखें तो? इंग्लिश में लिखें तो कितना होगा बताओ? इंग्लिश में 4 4 4 4 5 4 4 5. तो ठीक है 400. ये कितना है? 45. और ये वाला 200. और इंग्लिश में 202. अब देखो ये एक पैटर्न है, इसको आगे बढ़ाना है. 104 फिर 106 फिर 408. अब कितना आएगा? 110. और अब 112. अब देखो 209, 207, 205, अब 303 और 201. ठीक है, एक क्रिकेट मैच में अजय ने 54 तथा उसके दोस्त विजय ने 79 रन बनाए, बताओ दोनों ने मिलकर कुल कितने रन बनाए? क्या करना है? जोड़ना है. किस में जोड़ना है? किसको? 54 में जोड़ना है हमने 79 को. जोड़ो जरा बताओ. 9 and 4 9 and 4 9 and 13 13 का 1 1 carry. अब बताओ जोड़ो इनको. 5 5 5 7 11 12 13. कितना? 13. कितना टोटल कितना हो गया बताओ, इसको पढ़ो. 133. वेरी गुड. हाय किड्स. हाय सर. ये वाला टेस्ट करना है आपने आज? यस सर. मीना ने अपने घर में लगे बिजली के मीटर को पढ़ा. पिछले महीने में 118 यूनिट था, इस महीने 193 हो गया. उसने एक महीने में कुल कितनी बिजली इस्तेमाल की? क्या करना है? माइनस करना है. किस में से किसको? 193 में से 118 को. कितना आएगा? 5 5 5 7. और इधर 0. कितने यूनिट बिजली इस्तेमाल किया उन्होंने? 75 यूनिट. ए, रामू बाजार से बिस्कुट के 4 पैकेट लेकर आया. हर पैकेट में 4 बिस्कुट थे. रामू ने कुल कितने बिस्कुट खरीदे? 16. क्या किया हमने? पूरा. दीपा का विद्यालय उसके घर से आधा किलोमीटर दूर है. ठीक है, कितना किलोमीटर दूर है? आधा. तो बताइए दीपा को विद्यालय आने व जाने में कुल कितना मीटर चलना पड़ेगा? 500 मीटर. कितना मीटर? 500 मीटर आना और फिर जाना भी है. 1000. कितना हो गया? 500 मीटर प्लस 500 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया? 1000 मीटर. कितना चलना पड़ेगा उसे? 1000 मीटर. अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000. ठीक है, कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंची है. ठीक है, कितने मीटर ऊंची है? 72. 8 मीटर ऊंचाई वाले कितने कमरे एक के ऊपर एक लगाकर कुतुब मीनार जितने ऊंचे हो जाएंगे? क्या किया? नहीं, गुणे को ही तो मल्टीप्लाई बोलते. डिवाइड. कितनी बार जाएगा? 9 जा. ठीक है, तो कितने ऊंचाई वाले कमरे लगेंगे? 9. मतलब ऐसे जैसे हमारा ये बना, अगर हम इस स्कूल की बात करें तो ये स्कूल की जो दीवार है ना, तो ऐसे अगर माना ये 8 मीटर की, तो ऐसे ऐसे हमको कितनी बार चढ़ाना पड़ेंगे? 9 बार. तब जाके क्या होगा? कुतुब मीनार जितनी हाइट हम अचीव कर पाएंगे. ठीक है. हाय किड्स. हाय सर.
तो आज आपके पास जो पेपर आया था वो ये वाला है। यस सर। राधा ने बाजार में बेचने के लिए 204 मोमबत्तियां बनाई। कितनी बनाई? 204। वह उन्हें 6 के पैकेट में पैक कर रही है, तो बताइए वह कुल कितने पैकेट बनाएगी? क्या करना पड़ेगा? गुणा। कितनी बार बोला है बांटने के लिए क्या करते हैं हम? भाग। तो 6 का भाग किसमें देना है? 204। में कितनी बार जाएगा? 6 × 4 = 18। कितना बचा? 1 0 2। कितना उतरेगा? 4 × 6 = 24। कितने पैकेट बनेंगे? 20 तारे हैं। कितने तारे हैं? 20। उनमें से 1/4 लाल हैं, तो बताओ कितने तारे लाल हैं? 1/4। 5। वेरी गुड। क्या किया? 4 का भाग दे दो उसमें, ठीक है? कितने बार जाएगा? 5। ऐसे में भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी बना के भी कर सकते हो, ठीक है? चौथाई का मतलब क्या है? ये पोर्शन बांट लो 20 को, इनमें से 5 5 5 बन जाएंगे, ठीक है? पैटर्न है ये। 864 764 664 664। अब क्या आएगा? 564 464। बताओ। 9 300 300 400 400। पटरी व चांदी की सहायता से ही समकोण बनाएंगे। यस सर। समकोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। वो तो सिंपल ही है, ऐसे ही बन जाएगा वो, ठीक है? लेकिन तुमको किसकी हेल्प से बनाना है? पटरी। स्केल और प्रोटेक्टर के से, ठीक है? नीचे दिए गए कोण की डिग्री क्या होगी? अब डिग्री में बताना है। समकोण का 1/3। समकोण मतलब कितना डिग्री? 90। तो उसका 1/3 कितना होगा? 30। हाँ, 30। कितना? 30। और ऊपर क्या लिखना है? डिग्री। समकोण का दुगना? 180। वेरी गुड। कितना? 180 डिग्री। बस यस सर। यही था, ठीक है? यस सर।